Dear students, now we'll do the question number 24. Question number 24 says that a die is thrown twice. अब देखो, एक die को दो बार throw करता हूँ या दो dice को एक साथ throw करता हूँ, बात एक ही होती है. अब ये कहता है, what is the probability that 5 will not come either time? यानी दोनों बार 5 आता ही नहीं है. और ये या फिर कहता है कि 5 will come at least once. अब at least once का मतलब क्या हो गया? कि one time भी आ सकता है और टू टाइम्स भी आ सकता है. तो हम ना एक ध्यान रखें कि अगर हमें हमारे को ऐसा सवाल आता है तो हमें पता होना चाहिए कि 5 कितनी बार आ सकता है. तो अपने पास ये 36 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं कि एक बार हुआ, दूसरी बार क्या आया, दूसरी बार. तो अब हमारे को ये देखना है कि 5 कितनी बार नहीं आता है. दूसरी तरह से मैं देख सकता हूँ कि 5 कितनी बार आता है, क्योंकि ये हमारे लिए आसान काम है. तो देखो, एक सिचुएशन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड दिस इज 11. सो टोटल 11 टाइम्स 5 हैज अपीयर्ड, चाहे वो एक बार आया हो या दो बार आया हो. सिंपल. सो मुझे ये पता पड़ गया कि 5 विल कम एट लीस्ट वन कितनी बार है, आउटकम्स 11 है, और 5 विल नॉट कम आइदर टाइम क्या हो गया कि 36 टोटल चांसेस है, उसमें से 11 चले गए, तो 25 टाइम्स 5 विल नॉट अपीयर. अब मैं इस सवाल को कर देता हूँ कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम. तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम ईदर टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, कितना है 25, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 36. अब देखो, 5 हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि 6 इधर हो गए और 7, 8, 9, 10, 11. अब ये दोनों एक ही बार है, दोनों एक साथ आ गए, इसलिए हम इसको एक ही कंसीडर करेंगे. सो 11 टाइम्स 5 आया था और अब मैंने कहा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, क्या हो जाएगा 11/36. दिस इज आवर आंसर. सिंपल क्वेश्चन. कन्फ्यूज बच्चा सिर्फ ये हो सकता है कि बच्चे को सवाल समझना है कि ये क्या मतलब है, 5 आया ही नहीं, 5 आया, 5. सो आप जस्ट क्वेश्चन रीड आउट करें, आराम से पढ़ें, समझें.